any religion, which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। चुनाव के ऐन मौके पर सनातन धर्म को लेकर के जिस तरीके से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने बयान दिया और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उसका समर्थन कर दिया, उसके बाद से कोहराम मचा है। अभी तक कांग्रेस ये कह करके बच रही थी कि ये उनकी अपनी राय है, लेकिन अब कांग्रेस क्या कहेगी जब उसके पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे कर्नाटक में मंत्री प्रियांक खड़गे ने ही कह दिया कि ऐसा धर्म जो बराबरी का व्यवहार नहीं करता हो उसे धर्म नहीं कहा जा सकता। सुनिए प्रियांक खड़गे ने क्या कहा। एनी रिलीजियन दैट डज नॉट प्रमोट इक्वालिटी, एनी रिलीजियन दैट डज नॉट एंश्योर दैट यू हैव द डिग्निटी of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. अब सवाल पूछ रही है बीजेपी कि कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है। कांग्रेस के पास इसका कायदे से कोई जवाब नहीं है, क्योंकि डीएमके जब तक बोल रही थी तब तक तो कांग्रेस ये कह के बच जा रही थी कि ये उसकी राय है। अब कांग्रेस जब मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे ऐसी बात बोल रहे हैं कि जो समानता का व्यवहार न करता हो, इंसान को इंसान न समझता हो, सीधे सीधे उस धर्म, मतलब वो नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन करे कोई भी धर्म हो, देखो वो कहीं ना कहीं जो है वो उदयनिधि स्टालिन की बात का ही समर्थन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि उदयनिधि स्टालिन ने क्या कहा था। उदयनिधि स्टालिन ने 2 तारीख को एक कार्यक्रम में ये कहा था कि जो सनातन धर्म है वो डेंगू और मलेरिया की तरह है, उसका विरोध नहीं किया जा सकता, उसको खत्म करना होगा। अब सोचिए किसी धर्म के बारे में आप बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि उसे खत्म करना होगा, इसके बाद बीजेपी आग बबूला हो गई और बीजेपी ने ये कहा जो आईटी सेल के प्रमुख है अमित मालवी कि ये 80 करोड़ लोग जो कि इस धर्म को मानते हैं उनके संहार की बात कर रहे हैं, ये तो जनसंहार की बात कर रहे हैं। और फिर गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे बोल दिया हमला। अमित शाह ने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडी अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टिकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है। अब जो है वार पलटवार इस पे चल रहा है। वजह यह है कि ये एक ऐसा इशू है जिस पे इंडिया यानी कि जो विपक्षी गठबंधन है वो घिरता नजर आ रहा। अभी तो बैठक हुई थी मुंबई में, रणनीति बनी थी और इधर ये स्टालिन का बयान आ गया, तो बीजेपी की कोशिश ये है कि ये इसको जोड़ा जाए कि ये जो विपक्षी गठबंधन बना है और जो उसकी रणनीति है उसके तहत ये बयान दिया गया है, कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है। कांग्रेस अभी तक किसी तरीके से बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रियांक खड़गे के बयान के बाद अब उसके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि कैसे मना करेगी। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे के वो बेटे नहीं है? क्या वो कांग्रेस के नेता नहीं है, विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है? सब कुछ तो है, फिर कांग्रेस क्या कहेगी कि ये आधिकारिक बयान नहीं है, उनकी निजी राय है? ऐसे कह के बचने की कोशिश करेगी तो इसका, इससे किसका नुकसान होगा? चुनाव के वक्त जो है हर राजनीतिक दल ऐसा मुद्दा खोजता है जो जन भावनाओं से जुड़ा हुआ हो और उसे इसका लाभ मिले, वोट बैंक उससे जुड़े, और ये मौका दे दिया है अब स्टालिन ने। अब देखते हैं कि बीजेपी इसे कितना मनाती है, किस हद तक जाती है और गठबंधन जो है कांग्रेस जो है वो कैसे अपना बचाव करती है।
रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।